माता दी। दोस्तों आपके साथ मैं हूं रेखा गोस्वामी, सभी का स्वागत करती हूं हमारे बेहद खास कार्यक्रम सर्व कल्याण एस्ट्रो में। दर्शकों, आपने फिल्मों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से और किस्से कहानियों के माध्यम से दोस्ती के कई किस्से सुने होंगे। ईश्वर से लेकर इंसान तक के दोस्ती के किस्से हैं। यहाँ तक कि अगर बात की जाए ईश्वर की अपनी दोस्ती के किस्से हैं। कृष्ण सुधामा दोस्ती का सबसे बड़ा प्रतीक बने। लेकिन क्या आपको मालूम है, जब समय बुरा हो तो दोस्त भी आपसे दूर हो जाते हैं। आपके अपने जब आपसे दूर होने लगते हैं तो भला क्या चीज़ है, यानी दोस्ती भी आपसे दूरी बनाने लगती है। आज का जो विषय है वो यही है कि क्या आपके घनिष्ठ मित्र भी आपको भविष्य में धोखा दे सकते हैं, यानी आपके जीवन में क्या दोस्ती से धोखा मिलना लिखा है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा साथ देंगे माँ पीतांबरा का आशीर्वाद प्राप्त ज्योतिषाचार्य लक्ष्मीकांत मिश्रा जी, जो कि इस समय हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं। तो चलिए आचार्य जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। ओम मध्ये सुताब्द मणि मंडप रत्न वेद्या सिंहासिनोपरि गतां परपीति वरिणां पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगीं देवी स्मरामि घृत मुगधर वैरि जिह्वां जिह्वाग्रमादाय करेण देवी बामेन शत्रून परपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराड्यां द्विभुजां नमामि। जय माता दी। देखिए दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम का मकसद ये नहीं है कि हम आपके मन में दोस्ती के प्रति शक पैदा करना चाहते हैं, बल्कि हम आपको आगाह करना चाहते हैं आने वाले भविष्य में दोस्ती की टकरार को लेकर। आपकी दोस्ती में टकरार ना आए, आपकी दोस्ती में धोखाधड़ी जैसा मामला ना आए, मसला ना आए, इसीलिए आज हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ चेता रहे हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है और आप अपने सगे संबंधियों से संबंधित समस्याओं को साझा करना चाहते हैं आचार्य जी के साथ, तो इसी समय कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपको आपके टीवी स्क्रीन्स पर दिखाई दे रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। आचार्य जी, अगर बात की जाए दोस्ती की, बहुत सारे किस्से आपने भी सुने हैं और हमने भी सुने हैं दोस्ती के, जहाँ एक तरफ सकारात्मक कहानियाँ सुनने को मिली हैं दोस्ती की, ठीक उसके परे नकारात्मकता भी देखने को मिलती है। कहीं धोखाधड़ी है तो कहीं बहुत ज़्यादा प्यार है। आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे जाना जा सकता है कि भविष्य में दोस्ती में धोखा मिलेगा कि नहीं। देखिए, आज के समय में नेटवर्किंग इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि जिसके माध्यम से कुछ क्षण में ही मित्र बन जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको आप समझने में देर करते हैं और वो आपको कहीं ना कहीं धोखा दे जाते हैं। ऐसी स्थितियों में किसी भी जातक की जन्मपत्री में यदि मंगल खराब है या मंगल के साथ में राहु बैठे हुए हैं, तो ये सुनिश्चित है कि आपके जो भी मित्र होंगे, मित्र तो खूब होंगे परंतु साथ देने वाला कोई भी मित्र नहीं होगा। वहीं पर यदि जन्मपत्री में बुध की स्थिति ठीक है या मंगल की स्थिति ठीक है तो मित्र आपका साथ देंगे, साथ साथ में बुध की भी स्थिति ठीक होना आवश्यक है। यदि बुध भी गड़बड़ है तो आपके मित्र तो बहुत होंगे परंतु मित्र कैसे होंगे, वो भी सब आपके धन को हनन करने वाले होंगे। आपके आसपास बहुत से मित्र मिलेंगे जो जब तक आपके जीवन में आपके जेब में पैसा है तब तक वो आपके आसपास घूमते रहेंगे, आपके पास आपकी सारी बात को मानेंगे, सब कुछ करेंगे। परंतु ऐसी स्थिति में यदि बुध कमज़ोर है या पाप ग्रहों से युक्त है तो ये आप सुनिश्चित मान लीजिए कि आपको पास में जब बिल्कुल असहाय हो जाएंगे तब ऐसी स्थिति में आपको ऐसा धोखा दे करके जाएंगे जो कि आपको सहन नहीं होगा। ऐसी स्थितियों में आप देखें, आप अपनी जन्मपत्री को दिखाएं कि हमारी ये स्थितियां तो नहीं हैं। साथ साथ में यदि शनि और राहु एक दूसरे से सप्तम में हैं तो ऐसे जातक के कभी मित्र नहीं बन सकते, और यदि उसके मित्र बनते भी हैं तो ऐसी स्थिति में इसका कोई भी उपाय भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी मित्र उसका बनेगा उसको कहीं ना कहीं घात पहुंचेगा, शारीरिक पीड़ा, आर्थिक समस्याएं आदि का सामना करना पड़ेगा। तमाम यदि शनि और राहु सप्तम एक दूसरे से सप्तम में हैं, आमने सामने हैं,
तो उस जातक को कभी भी अपने माता पिता से भी बहुत अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए, अपने भाइयों से भी बहुत अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए, कि जैसे कि किसी मित्र के बिना एक मित्र नहीं रह सकता है। ऐसी स्थिति यदि आएंगी तो उसके जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं आएंगी। इसका कोई भी उपाय करने का प्रयास न करें यदि शनि और राहु एक दूसरे से सामने बैठे हुए हैं। चूँकि जीवन में आप किसी के साथ में गए हैं, किसी के उसमें जाने का प्रयास किया है, आपने मित्रता यदि बनाने का प्रयास किया है तो जीवन में खुशियाँ पाने के लिए, ना कि कष्ट पाने के लिए। ऐसी यदि स्थिति किसी भी जातक की है तो वो उनसे दूर ही रहें तो ज़्यादा ही आवश्यक रहेगा। बुध यदि किसी भी जातक का कमज़ोर है तो मित्र बहुत अधिक ना बनाएं, कहीं ना कहीं वो आपको धोखा देंगे। आज के समय में नेटवर्किंग के माध्यम से, जैसे कि मंगल और चंद्रमा यदि ठीक स्थिति का है, दोनों यदि ठीक स्थिति के हैं तो मित्र बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा लाभ देंगे। परंतु कहीं पर चंद्रमा यदि वहीं अस्त हो गए या पाप ग्रहों से युक्त हो गए तो मित्र कुछ क्षण में ही धोखा दे करके बहुत जल्दी, ऐसी स्थिति में जातक जैसे सफ़र में चलते हुए लोगों को देखा होगा कि सफ़र में चलते चलते बात किया और एक दूसरे से मित्रता हो गई, खान पान हो गया और बहुत अच्छी मित्रता, कुछ क्षण के लिए वो मित्रता होती है। चंद्रमा जिसका कमज़ोर होगा, अचानक ये स्थिति यदि बन जाती है किसी भी जातक के साथ में, अगर ये बनती है स्थिति कि कहीं चलते फिरते अगर उसके मित्र बनते हैं तो उसका कहीं ना कहीं चंद्रमा खराब है। चंद्रमा खराब होने के कारण से ये स्थितियाँ बनती हैं, मित्र बनते हैं और कुछ क्षण में वो धोखा दे करके या कुछ ऐसी स्थिति आपके साथ में कर जाएंगे जो कि आपको असहनीय होगी, जो आपके जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं लेकर के आ जाएगी। तो ऐसे लोगों से अनुरोध है कि ऐसी मित्रता कभी भी ना करें। यदि ऐसी स्थितियां हैं तो किसी भी अपने नज़दीकी आचार्य से अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण करवाएं और उसका उपाय करके ही यदि मित्रता करेंगे तो आगे आने वाले समय में कोई कष्ट नहीं होगा, नहीं आने वाले समय में आपको बहुत असहनीय कष्ट होगा। जय माता दी। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप किस्से सुने, अच्छे किस्से भी हैं दोस्ती के, बुरे किस्से भी हैं, लेकिन आज के दौर में ज़्यादातर बुरे किस्से ही देखने और सुनने को मिलते हैं। आप कई बार ऐसा होता है अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ बिजनेस शुरू करते हैं लेकिन आपको उसी बिजनेस में दोस्तों के द्वारा ही धोखा दे दिया जाता है, आप एकदम से करोड़पति से रोड़पति बन जाते हैं। इसलिए आपसे कहेंगे कि कोई भी कदम रखने से पहले उसकी जानकारी ज़रूर ले लें। साथ ही अगर लगता है कि आपके दोस्त आपको धोखा देने की फिराक में, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं। और अगर दोस्तों के साथ कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो एक बार आप अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर कराएं कि कहीं भविष्य में आपको दोस्तों से धोखा तो नहीं मिल सकता है। अगर कुछ भी समस्या आपकी कुंडली में होती है तो आप पहले से आगाह हो जाएंगे और दोस्ती तो बची ही रहेगी, साथ ही साथ आपका मान सम्मान और आपका पैसा भी बचा रहेगा। अगर जीवन में इस तरह की परिस्थितियां हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर्स आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जय माता दी, स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना। जय माता दी, मैं अनीता बोल रही हूँ। कहाँ से बात कर रही है अनीता जी? भगवती कल्याण करें। गुरु जी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ, बेटी की डेट ऑफ बर्थ बताएं। 7 जून 1994। 14 जून जी, 7 जून 1994। 7 जून 1994। टाइम है 4:50 PM। टाइम क्या है? 4:50 शाम का। 450। जन्म स्थान? झांसी। जन्म स्थान झांसी। हाँ जी। अच्छा जी, जी क्या जानना चाहती हैं? बेटी ने अपनी मर्जी से मैरिज कर ली है और फिर फरवरी में 8 दिसंबर को मैरिज कर ली बच्चे ने, कोर्ट मैरिज। फिर उसके बाद ये मुश्किल से 2 फरवरी को घर लाए पापा जी, पैसे को मनाकर। फिर 6 मार्च को फिर बगैर बताए गायब हो गई घर से। जी जी, उसी लड़की की। जी जी, देखिए वर्तमान समय में बेटी की राहु की महादशा चल रही है, राहु का उपाय करिए, राहु का जप कराएं, दान कराएं, जिसके करने से इसका मानसिक संतुलन सही नहीं है। और मैंने कल भी आपको उपाय बताया था करने के लिए कि एक काली हंडिया लीजिए, 1.25 मीटर काला फीता, 9 चूड़ी, और उसको गले में
चूड़ी को और फीते को गले में बांध देंगे, हंडिया में मटका जिसको बोलते हैं, घड़ा, काला घड़ा लेकर के, और इसके बाद में उसमें गेहूं भर देंगे। गेहूं भरने के बाद में साबुत काला उड़द लेंगे, दही में मिश्रित करके सकोरे में रख देंगे, दो बत्ती बनाएंगे लंबी सी और क्रॉस में धन के आकार में रख करके उसी में सरसों का तेल डाल करके चारों दीपक जला दीजिए, और जलाने के बाद में बेटी यदि नहीं उपलब्ध है तो बेटी की फ़ोटो होगी, फ़ोटो और कोई भी वस्त्र जो पहना हुआ हो परंतु धुला ना हो, ऐसी स्थिति में रख करके उसके ऊपर से उसी वस्त्र में फोटो रख देंगे और उसके ऊपर से 7 बार उबारेंगे ओम रांग राहवे नमा कहते हुए। उबार करके कहीं भी ऐसे निर्जन स्थान पर रख दीजिए, उस स्थान पर आपको और आपके पति को 3 दिन तक नहीं जाना होगा। उस स्थान पर कुछ न करना हो, इतना करने के पश्चात में आप गणेश चतुर्थीश के पाठ या और इस वस्त्र को, वस्त्र और फोटो जो होगी अपनी बेटी का, जितना वजन हो आपकी बेटी का उससे वजन से अधिक वजन में उसको दबा करके रख दीजिए। बेटी आपकी पुनः वापस आ जाएगी। आपस आने के बाद में आप गणेश चतुर्थीश के किसी भी आचार्य से 251 पाठ कराइए और दूर्वा उसी फोटो में लपेट करके जब बेटी वापस आ जाएगी तो दूर्वा जो गणेश जी में अर्चन करेंगे, 108 अर्चन करेंगे, दूर्वा चढ़ाएंगे जब आचार्य जी पूजन करेंगे, और वही दूर्वा लपेट करके फोटो में रख देंगे। आपकी बेटी आपका कहना मानेगी, जो भी समस्याएं आपके साथ में चल रही हैं उन सारी समस्याओं का समाधान होगा। जय माता दी। बिल्कुल, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा अगर आप इस उपाय को करते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए अब उनसे बात करते हैं। जय माता दी, स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना। माता दी जी, जय माता दी जी। नाम क्या है आपका? हाँ जी, मेरा नाम विजय है जी। कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम दिल्ली से बात कर रहे हैं। दिल्ली से आप बात करें, चलिए बात कीजिए आप आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी जी। गुरु जी, ऐसा है कि पहले मेरे बेटे की शादी होके टूट गई, दूसरा मेरी बेटी की शादी लेट हुई, बहुत लेट हुई, अब उसका बच्चा नहीं हो रहा, अब तीसरे बच्चे की शादी भी और लेट हो रही है। मैं जितने हम अच्छे इंसान है फिर भी हमें कुछ नहीं मिल पा रहा। अब बेटी की है वो भी मुश्किल से, वो उसको कोसते है कि क्या बात है, इतनी बड़ी होगी बच्चा नहीं हो रहा, इधर से मेरे बेटे की शादी, मैं इतनी परेशान हूँ, मेरी परेशानी का हल कीजिए जी। जिस मकान में रहते हैं वो आपका मकान है? हाँ जी, वो थर्ड फ्लोर पे रहती हूँ गुरु जी। जी जी, किसके नाम से वो मकान है? वो मैंने बेटे के नाम करवा रखा है। बेटे के नाम से है, बेटे का नाम बताइए और अपना नाम बताइए। मेरा नाम विजय है, उसका नाम नितिन है। विजय और नितिन। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। आपके घर में ब्रह्म का वास है जिसके कारण से वो कोई भी कार्य नहीं होने देते, ठीक है ना? शारीरिक समस्याएं भी किसी न किसी को बनी रहती हैं, घर में जितने भी सदस्य होंगे कोई भी एक दूसरे की बात को सुनने और समझने वाला नहीं होगा। हेलो। उसके लिए आपको मैं एक उपाय बताता हूँ, इस उपाय को करिए तो तत्काल में तो इसका लाभ हो जाएगा, परंतु पूर्ण रूप से ख़त्म करने के लिए आप किसी भी आचार्य से मिलिए जो आपके घर में आकर के पूर्णतया शुद्ध करे और वहाँ से उसको हटाए। जब हटाएंगे तभी ही पूर्णतया आप लाभ प्राप्त कर पाएंगी, नहीं तो कुछ क्षण के लिए आपको अनुकूल रिजल्ट मिलेंगे फिर वही स्थितियाँ हो जाएंगी। उसके लिए आपको नवरात्रे आने वाले हैं, नवरात्र में आप कलश स्थापना करते हैं या नहीं? नहीं, हम नहीं करते क्योंकि हमारे बड़ों ने कभी किया नहीं, हम भी नहीं करते। अच्छा, तो माँ भगवती की यदि प्रतिमा हो तो ले लीजिए, नहीं है है तो ठीक है और नहीं है तो बाजार से ले लीजिए। माँ भगवती पीताम्बरा की एक तस्वीर ला करके आप नवरात्रे में रखिए, द्वितीया को ला करके रख दीजिए और उनके पास में पंचमुखी दीपक जला करके पीले चावल कर लीजिए, चावल को हल्दी से कलर करके चावल नीचे रख करके उसी के ऊपर पंचमुखी दीपक रखिए और इसके बाद में पिसी हल्दी, शहद और नमक पिसा हुआ और थोड़ी सी पंचमेवा मिश्रित करके, मिश्रित कर लेंगे
और आम की लकड़ी लाएंगी, आम की लकड़ी ला करके ओम ह्रीं बगला मुख्यी नमः इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे और नियमित रूप से पूरे नवरात्र भर 11 आहुति देंगे, सुबह और शाम 11 आहुति दीजिए। जैसे ही ये कार्य करेंगे आपके घर में अनुकूल रिजल्ट प्राप्त होंगे, जो भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान होगा, जो आपके घर में कोई भी सही ढंग से शारीरिक मानसिक रूप से जो लोग डिस्टर्ब हैं उनका सब ये क्लेश शांत हो जाएंगे और सारे कार्य बनने लगेंगे। एक वर्ष के अंदर आपको इस एक वर्ष तक का ये कार्य है, एक वर्ष तक आप कर सकते हैं कुछ भी, एक वर्ष के बाद में फिर पुनः वही स्थितियाँ आ जाएंगी। ये नवरात्र तक करिए, फिर पुनः अगले नवरात्र में कर देंगे तो एक वर्ष तक तो ये क्रिया चलेगी, इसके बाद में फिर वो क्रिया नष्ट हो जाती। इसके लिए आप 6 महीने तक करने के बाद में इस 6 महीने के अंतर्गत में किसी भी आचार्य से मिलकर के आप अपने घर को व्यवस्थित करिए। जैसे ही व्यवस्थित करेंगे तो आपके घर के जो भी निगेटिव ऊर्जाएँ हैं, जो भी बाधा है, वो सब शांत हो जाएगी। जय माता दी। बिल्कुल, अगर आप इस उपाय को करती हैं तो आपके घर में जो कुछ दिक्कत परेशानियाँ आ रही दूर हो जाएंगे। और दर्शकों, आपसे यही कहना चाहेंगे कि जब भी आप इस कार्यक्रम से जुड़े और आपको कॉल जो है वो अटेंड कर ली जाए तो आपको जो भी उपाय बताया जाता है उसे आप नोट कर लें, साथ के साथ उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री को भी आप नोट कर सकते हैं, ताकि आपको उस उपाय को अपनाने में और उसकी प्रक्रिया करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। साथ ही अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप संस्थान के नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, नंबर्स लगातार आपको आपके टीवी स्क्रीन्स पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप यज्ञ अनुष्ठान या फिर किसी प्रकार का पूजा पाठ कराना चाहते हैं तब भी आप संस्थान के नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, नंबर्स आपको लगातार आपके टीवी स्क्रीन्स पर दिखाई दे रहे हैं। एक दर्शक और हैं, अब उनसे बात करते हैं। जय माता दी, स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना। कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी बात कीजिए आप आचार्य जी से। जय माता दी। जय गुरु जी। जय माता पिताम्बरा। बताइए किसके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? जी मैं अपनी लड़की के बारे में जानना चाहती थी। जी आप अपनी बेटी के डेट ऑफ बर्थ बताएं। हेमेंद्र नाम है। डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी उसका 14/11/2003। 14/11/2003। जी गुरुजी। जन्म समय? जी जन्म समय सुबह 7:20। 7:20। जन्म स्थान? हेलो जी, जन्म स्थान बताएं। जन्म स्थान नई दिल्ली। नई दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं बेटी के विषय में? जी मैं बेटे की राशि और लग्न जानना चाहती थी। जी लग्न आपकी बेटी की वृश्चिक लग्न है और मिथुन राशि है। शनि और चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो शनि और चंद्रमा विष योग बना रहे हैं। आप क्या जानना चाहते हैं? जी उसका इष्ट देव कौन है? इष्ट इनके विष्णु हैं। ठीक है गुरुजी। जी जय माता दी। और दर्शकों, आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप राशि या फिर लग्नेश के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कार्यक्रम के बाद कॉल किया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे होते हैं जो कि अपनी बहुत ही घनिष्ठ और गहन समस्याओं को लेकर कॉलिंग का इंतज़ार करते हैं, कॉल अटेंड होने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन सिर्फ क्योंकि आपको छोटी मोटी जानकारी प्राप्त करनी होती है उसकी वजह से उनकी कॉल अटेंड नहीं हो पाती है। तो आप इन छोटी जानकारियों के लिए कार्यक्रम के बाद भी कॉल कर सकते हैं और संस्थान में भी आप कॉल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कार्यक्रम के दौरान ही आप कॉल करें। और इसके साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी उपाय को पूरे मन के साथ करेंगे तभी वो उपाय सिद्ध होगा। आप सोचें कि आचार्य जी ने आपको उपाय बता दिया है और आपने वो जैसे हो पाया समय मिला कर दिया, नहीं मिला तो नहीं किया, नियमित रूप से नहीं कर पाए तो उसका उपाय आपको नहीं मिलेगा, फिर आपकी वही शिकायत सामने आएगी कि कोई प्रभाव नहीं मिला है। इसलिए किसी भी उपाय को पूरे मन के साथ करें। और आपको ये जानकारी है ही कि माँ पीताम्बरा का आचार्य जी पर बेहद आशीर्वाद है और इसके साथ ही उन्हीं के आशीर्वाद से आचार्य जी द्वारा आपको तमाम उपाय बताए जाते हैं जो कि आपके जीवन में एक सकारात्मकता लेकर आते हैं। इसलिए आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए, अगर नहीं बात हो पाती है तो कार्यक्रम के बाद आप संस्थान के नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। दर्शक हैं हमारे साथ फिलहाल, उनसे बात करते हैं। जय माता दी, स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना। रमा त्रिपाठी। कहाँ से बात कर रही हैं आप? इलाहाबाद।
जी बात कीजिए आप आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता जी। पंडित जी प्रणाम। भगवती कल्याण करें। पंडित जी मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी आप अपने पति की डेट ऑफ बर्थ बताएं। उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है पंडित जी। तो आप अपने पति का नाम बताइए और उनकी माता जी का नाम बताइए, हो वर्तमान में रहते कहाँ पे? विशोक कुमार त्रिपाठी जी। विशोक कुमार त्रिपाठी जी। जी माता जी का नाम बताएं। श्री दशरथ देवी। कहाँ पे रहते हैं? इलाहाबाद में ही। हम कौशाम्बी जिले में रहते हैं, इलाहाबाद के बगल में पड़ता है। कौशाम्बी जी। जी क्या जानना चाहती हैं इनके विषय में? उनकी तबीयत कभी कुछ, कभी दांत में दर्द, कभी मेंटली डिस्टर्ब, कभी कुछ ना कुछ और लगा ही रहता है, कभी पेट की समस्याएं। इनको जो समस्याएं चल रही हैं, कहीं रास्ते में जा कर के किसी का उतारा हुआ जो होता है, उतारा इन्होंने नांग गए हैं, जिसके कारण से इनको ये समस्याएं आ रही हैं। उतारा नांगने से जैसे किसी के ऊपर कोई भी वादा होती है और उसको उतारा करके चौराहे पर या ऐसी जगह ऊपर रख दिया जाता है। आज के समय में काफ़ी ऐसी विडंबना है कि जो लोग कह देते हैं कि चौराहे पर रख दीजिए। चौराहे पर कभी भी किसी भी व्यक्ति को कोई भी उतारा नहीं रखना चाहिए, ऐसी निर्जन स्थान पर रखना चाहिए जो कि वहाँ से प्रायः कोई निकलता बैठता ना हो। ऐसी स्थिति में तो इनका आप उपाय करिए और उपाय करने के बाद में लाभ जरूर मिलेगा। इनके ऊपर से दो नींबू लेंगी और दो नींबू लेकर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारेंगी। 7 बार उबार करके इन्हीं को दे दें और देने के बाद में एक दाहिने पैर की एड़ी से तोड़ेंगे और एक बाएं पैर की एड़ी से तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद में दाहिने पैर से आगे बढ़ा देंगे और कहना होगा कि जो कुछ भी हमारे ऊपर वादा है वो हमसे दूर हो जाए। इसके आने के बाद में 3 दिन तक एक क्रिया और करनी होगी। इनके ऊपर से 7 बार 2 फूलदार लौंग उतार करके दियाली में रखकर कपूर में रख करके जला दीजिए। 3 दिन तक ये क्रिया करिए। इनके ऊपर जो भी ऊपरी बाधा का प्रभाव है वो शांत हो जाएंगे, इनकी शारीरिक पीड़ाएं जो हैं वो भी शांत हो जाएंगी। हेलो जय माता जी। लाल फूल में कपूर जलाएं उतार के। फूलदार लौंग, 2 फूलदार लौंग, साबुत लौंग, टूटी हुई लौंग नहीं होनी चाहिए। फूलदार 2 लौंग लेकर के 7 बार उबारेंगे, उबार करके कपूर में रख करके जला देंगे। और 2 साबुत बिल्कुल स्वच्छ नींबू लेना है, किसी भी प्रकार का कोई भी दाग नहीं होना चाहिए उस नींबू में। जय माता दी। बिल्कुल, तो आप इस उपाय को कीजिए, आपके जीवन में जो कुछ समस्याएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। और इसी के साथ एक और दर्शक है हमारे साथ, अब उनसे बात करते हैं। जय माता दी, स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम शशि है। कहाँ से बात कर रही हैं शशि जी आप? मैं पटना से। पटना से। पटना से आप बात कर रही हैं, चलिए आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जी प्रणाम। भगवती कल्याण करें। जी मुझे बेटी के बारे में बताइए गुरु जी। जी बेटी के विषय में क्या जानना चाहती? जॉब कब तक लगेगी? मैं बहुत परेशान हूँ, वो अभी मानसिक पीड़ा में है बहुत। और शादी कब तक होगी उसकी? बेटी की डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर 93। जी हाँ। जन्म समय? जन्म समय 10:25। सुबह या शाम का? सुबह है। सुबह गुरु जी बताइए। गुरु जी 10:25। जन्म स्थान पटना है ना इनका? जी जी जी। देखिए आप 3 दिन से लगातार कॉल कर रही हैं और लाइव में आप 3 दिन से लगातार बात कर रही हैं और 3 दिन से मैं वही आपको उपाय बता रहा हूं, परंतु आप उपाय कुछ करना नहीं चाहती हैं। तो बिना उपाय किए कोई भी लाभ नहीं होगा। आचार्य जी से बात करने से केवल लाभ बेटी को नहीं हो जाएगा, जो आपकी बेटी डिप्रेशन में है, जहाँ चाहती है वहाँ पर संबंध नहीं हो पा रहा है, तो आचार्य जी से बात करते करते संबंध थोड़ी हो जाएगा। उसका कुछ उपाय करना होगा और यदि वहाँ पर शादी करती हैं तो कहीं ना कहीं घात होगा, आपकी बेटी को कष्ट प्राप्त होगा। इसलिए हमारा कहना है, बात को समझिए और मानिए कि जहाँ पर वो चाहती है वहाँ पर विवाह न करिए, अन्यत्र कहीं विवाह करेंगे तो
उसको सुख प्राप्त होगा। यदि यही चाहता होता वो व्यक्ति तो बात ही क्यों बंद कर देता करना और शादी के लिए मना क्यों कर देता। और यदि ज़्यादा दबाव दोगी किसी न किसी से, हमसे नहीं तो किसी अन्य से, अन्य से नहीं किसी व्यक्ति से, यदि किसी भी प्रकार का किसी भी तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग कराएंगी तो आने वाले समय में आपकी बेटी को कष्ट होगा और शादी होने के बाद में भी वो विरक्त हो जाएगा, तब आपके जीवन में क्या रहेगा, आपके जीवन में आपकी बेटी के जीवन में क्या रहेगा। इसलिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आप बेटी के सुख के लिए देखिए, बेटी को समझाइए और समझाने के साथ साथ में आप ऐसा कार्य करिए जिसके करने से आप, तो माता पिता के समझाने से बेटे मानते हैं, ऐसा नहीं कि मानते नहीं, और आप भी उसका साथ दे रही हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। यदि आप भी, माता पिता भी उसी स्थिति में हो जाएंगे तो बच्चे में और माता पिता में अंतर क्या रहेगा। माता पिता एक अच्छे मार्गदर्शक होते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों के लिए। तो आप उचित मार्ग दीजिए, उचित सहयोग करिए जिसके करने से उसके जीवन में खुशियाँ आएँ। यदि आप उसके जीवन में खुशियाँ नहीं देखना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, किसी भी आचार से मिल करके आप कुछ भी तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग कराइए तो लड़का आ जाएगा, शादी कर लेगा, परंतु जब तक उसका असर रहेगा तब तक ही वो साथ में रखेगा, आजीवन नहीं रख सकता है, साल दो साल, चूँकि उसका भी एक समय सुनिश्चित होता है, 6 दिन 6 महीने 6 साल, 3 दिन 3 महीने 3 वर्ष, इससे ज़्यादा कोई समय नहीं है। एक प्रतिबंध होता है किसी भी तंत्र में, किसी भी मंत्र का जो प्रयोग किया जाता है उसकी समय सीमा होती है। इसलिए आप अपनी बेटी को खुश रखने के लिए किसी अन्यत्र जगह पर विवाह करें, यही हमारा कहना है। जय माता दी। बिल्कुल, आप माता पिता और एक अच्छे मार्गदर्शक बनिए, अपने बेटी को अच्छा मार्गदर्शन कराइए ताकि वो अपने जीवन में खुशी रह सके और इस मेंटली स्ट्रेस से बाहर निकल सके। आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों से बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता। दर्शकों, आपके सर पर सदैव माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद बना रहे, इसी कामना के साथ अब आपसे लेते हैं आज्ञा। जय माता दी। भूत प्रेत बाधा, गृह बाधा, विवाह में विलम्ब, वास्तु दोष, नवग्रह शांति, कर्म कांड, रुद्राभिषेक, देव प्रतिष्ठा आदि के लिए आचार्य लक्ष्मीकांत मिश्रा जी से संपर्क करें। हमारे नंबर्स हैं